गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3। बच्चों, हमने ये लेसन हमारी क्लास में भी पढ़ा था, आज हम इसको ऑनलाइन पढ़ेंगे। हमारे लेसन नंबर 13 का नाम है होली और हमारा पेज नंबर है 77। तो देखो बच्चों, आपको ये होली का चित्र दिख रहा है। हमने देखा था कि इसमें किस दो बहन भाई अर्नव और उसकी दीदी। तो देखो फिर से हम पढ़ लेते हैं एक और बार। होली रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगी होली सबको अच्छी लगती है। इस त्यौहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े सभी लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं। इस दिन कोई भेदभाव नहीं करता, कोई भेदभाव मतलब कोई अंतर रहता नहीं, सब अमीर एक ही होते हैं, सब गरीब एक ही होते हैं। मतलब ये कैसा है, भेदभाव बिना का त्यौहार है। मम्मी पापा ने दीदी के दीदी से सबके पुराने कपड़े निकलवाए। अर्नव दीदी से पूछा, दीदी ये कपड़े तो पुराने हैं, इन्हें आपने क्यों निकाला? कौन? अर्नव अपनी दीदी से पूछता है कि ये कपड़े तो पुराने हैं, आपने क्यों निकाला? दीदी ने कहा, अर्नव कल होली का त्यौहार है। अर्नव ने कहा, पर दीदी त्यौहार तो सभी ही नए, त्यौहार के दिन तो सभी नए नए कपड़े पहनते, फिर आपने हमारे लिए पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? है ना बच्चों, आप लोग भी त्यौहार के लिए नए नए कपड़े पहनते हो ना, तो उसी तरह अर्नव भी क्या है, एक बच्चा है। तो अपनी दीदी से बच्चों सवाल करता है कि दीदी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पुराने कपड़े क्यों निकाल रहे हो? तो दीदी बोलते हैं कि पुराने क्योंकि कल त्यौहार है इसलिए। तो अर्नव उसकी दीदी बोलता है, पर त्यौहार के दिन तो दीदी सब नए नए कपड़े पहनते, तो आप क्यों पुराने कपड़े निकाल रहे हो? दीदी बोली, अर्नव जब कल हम होली खेलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा दीदी, हम होली क्यों मनाते हैं? अर्नव ने पूछा। अर्नव अपनी दीदी से पूछता है कि दीदी बताओ कि हम होली क्यों खेलते हैं? आज तुम्हें मैं होली के बारे में बताती हूँ, दीदी ने कहा। दीदी क्या बोलती है कि मैं तुम्हें आज होली के बारे में बताती हूँ, बहुत पुराने समय की बात है। क्या बोला गया है बच्चों के, अर्नव ने दीदी से पूछता है कि हम होली क्यों मनाते हैं? तो दीदी बोलते हैं कि मैं तुझे आज होली के बारे में बताती हूँ, बहुत पुराने समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, वो बहुत अत्याचारी और घमंडी था। क्या बोलती है दीदी उसको कि एक पुराने समय की बात है, कौन से राजे की बात बताई गई है? हिरण्यकश्यप का, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा है। वो कैसा था राजा? बहुत अत्याचारी और घमंडी था। अत्याचारी मतलब लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता था, प्लस उसमें बहुत घमंड था, और वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था। क्या बताया गया बच्चों, एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, वो बहुत अत्याचारी मतलब कैसा था, जुल्म करता था, और प्लस घमंडी था, वो ईश्वर पर विश्वास करता नहीं था। पेज नंबर 78। वो अपने आप को ही भगवान मानता था। उसका बेटा प्रहलाद था, वह ईश्वर का भक्त। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था और वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी प्रजा की तरह उसकी पूजा करे। क्या बोला गया बच्चों कि वो जो हिरण्यकश्यप था ना, वो इतना खतरनाक था, मतलब वो क्या करता था, अपने आप को ईश्वर मानता था और ईश्वर पर भरोसा करता नहीं था। और उसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रहलाद। वो ईश्वर का क्या था, भक्त था, मतलब ईश्वर की पूजा पाठ करता था। और राजा को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसका बेटा क्या नहीं करता, उसकी पूजा करता नहीं। उसके दिल में ऐसी इच्छा थी हिरण्यकश्यप के दिल में कि मेरा बेटा भी मेरी प्रजा की तरह क्या करे, मेरी ही पूजा करे। राजा अपने बेटे से बहुत नाराज़ था, मतलब बहुत क्या था, गुस्सा था। राजा ने गुस्से में अपने बेटे को जान से मारने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। क्या बोला गया बच्चों कि एक बाप जिसका नाम क्या हिरण्यकश्यप, उसके बेटे का नाम है प्रहलाद, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी बच्चों कि उसका बेटा उसकी पूजा पाठ करता नहीं था। तो उसने अपने बेटे को जान से मार डालने की क्या बनाई, योजना बनाई, एक प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका, जिसका नाम क्या है हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या है बच्चों, होलिका, और होलिका प्रहलाद की क्या बनेगी बच्चों, बुआ, तो मदद मांगी। होलिका के पास आग में न जलने वाली एक चादर थी, उसे ओढ़कर आग में बैठने पर शरीर जलता नहीं था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। क्या बोला गया, जो होलिका है ना बच्चों, उसके पास एक ऐसी चादर थी कि जिसको हम लपेट कर बैठ जाए ना आग में, तो आग
पकड़ती, नहीं थी आग जलती, आग लगती नहीं थी, बराबर। तो होलिका प्रहलाद को लेकर कहाँ बैठ गई बच्चों? आग में बैठ गई। उसने सोचा कि राजकुमार प्रहलाद जल जाएगा। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली जिससे चादर उड़कर राजकुमार प्रहलाद पर आ गिरी। क्या बुलाया गया है बच्चों? कुदरत का खेल देखो। क्या बुलाया गया है कि वो बैठ गई, किस इरादे से बैठी थी? बुरे इरादे से बैठी थी कि उसके होलिका ने तो चादर ओढ़ रखी थी तो वो तो जलती नहीं थी, पर प्रहलाद के ऊपर तो चादर नहीं थी जिससे वो क्या था बच्चों, जल जाता था। लेकिन बोला गया है कि उसने सोचा कि प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, तेज हवा चली और होलिका के ऊपर से चादर उड़कर किस पे आ गई बच्चों? प्रहलाद पर आ गई। प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। तब से लोग पूर्णिमा की रात को लकड़ियाँ इकट्ठी करके होली का दहन करते हैं। दहन मतलब जलाते हैं। कौन सी रात बच्चों? पूर्णिमा, जिस दिन क्या होता है, पूनम होता है ना, जिस दिन आकाश में चांद कैसा होता है, पूरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। लकड़ियाँ जमा करते हैं और क्या करते हैं बच्चों? होली का दहन मतलब उसको जलाते हैं। इससे धर्म की क्या होती है? जीत होती है। इसके दूसरे दिन रंगों की होली होती है। अर्णव ने पूछा फिर पुराने कपड़े का क्या करते हैं दीदी? वो अपनी दीदी से पूछता है। उसकी दीदी ने सब बताया कि भाई ऐसी ऐसी स्टोरी है। तो वो पूछता है कि दीदी पर पुराने कपड़े का क्या करते हैं? तो दीदी ने कहा अर्णव पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर गीले और सूखे रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और होली मुबारक कहते हैं। दीदी उसको आंसर करती है कि अर्णव पुराने कपड़े पहनकर ही होली खेली जाती है। जिस दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? गीले सूखे रंग लगाते हैं और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं। दिख रहा है ना बच्चों, लोग क्या कर रहे हैं? पिचकारी भर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, वो सब कर रहे। फिर बोला गया है कि बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने दोस्तों और आने जाने वाले पर क्या डालते हैं? रंग डालते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगी रंग उड़ाते हैं, कुछ बच्चे कीचड़ और गंदे रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। हमें बताया गया है कि कुछ लोग पिचकारी में रंग भरकर दूसरे पर उड़ाते हैं, कुछ रंग लगाते हैं और कुछ लोग गंदे कीचड़ से भी होली खेलते हैं। इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि नए कपड़े खराब न हो। आई बस बच्चों आपके समझ में कि क्यों पुराने कपड़े पहनते हैं? पुराने कपड़े इसलिए ही पहनते हैं बच्चों कि जो लोग कीचड़ वाली होली खेलते हैं, रंग बिरंगी रंग लगाते हैं, पिचकारी फेंकते हैं, उससे क्या होता है बच्चों? कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए पुराने कपड़े पहने जाते हैं। दिख रहा है आपको एक लड़की यहाँ खड़ी है, यहाँ से कलर डाल रही है, पिचकारी में से कलर डाल, इसके ऊपर कलर लगा हुआ है उस तरह। क्या बुलाया गया बच्चों? मैं कीचड़ और गंदे रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है। हानिकारक है बच्चों मतलब नुकसानदायक है। अर्णव ने कहा दीदी मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूंगा। तो दीदी ने कहा ठीक है अर्णव, लेकिन पिचकारी और गुलाल से ही होली खेलना, कीचड़ से नहीं। क्या बोलती है दीदी? हमें ये सीख भी मिलती है बच्चों ये लेसन से कि हमें पिचकारी और गुलाल से क्या खेलना चाहिए? होली खेलना चाहिए। कीचड़ जैसे गंदी चीज़ों से हमें खेलना चाहिए नहीं। होली मेल जोल का त्यौहार है, इससे हमें हंसी और खुशी से खेलना चाहिए। जैसे कि हमने लेसन की शुरुआत में ही देखा बच्चों के होली का त्यौहार में कोई भेदभाव होता नहीं, हर बड़े छोटे एक दूसरे को गले लगाते हैं और अच्छे से होली खेलते हैं। उसी तरह मेल जोल का त्यौहार है और हमें इसे हंसी और खुशी से ही खेलना चाहिए। दीदी ने कहा अच्छा अब तुम दादी माँ के साथ बाजार जाओ, कल के लिए ढेर सारा रंग गुलाल गुब्बारे और पिचकारी लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए गुजिया मालपुए और दही बड़े बनाती हूँ। क्या बोलती है दीदी उससे कि तुम दादी के साथ कहाँ जाओ? बाजार जाओ। बाजार किसके साथ जाना है? हाँ दादी के साथ। तुम क्या लेकर आना बच्चों? क्या लेकर आने का बोलती है बच्चों वो अर्णव से? रंग गुलाल और गुब्बारे। मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगी दीदी? बोलती है अर्णव को, मैं तुम्हारे लिए गुजिया मालपुए और दही बड़े बनाती हूँ। ठीक है दीदी, अब पता चला कि होली के दिन नए कपड़े क्यों नहीं पहने जाते। यह कहते हुए अर्णव दादी माँ के इस पास अपने दोनों हाथ की मुट्ठी में गुलाल भरकर होली है होली कहते हुए भागा और दीदी और दादी माँ को डराने लगा। क्या बोला है बच्चों? क्या अर्णव ने शरारत की? होली है और कहते हुए दादी और किसको माँ को डराने लगा। दादी माँ भी बच्ची बन गई और इधर उधर भागकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। मतलब ये हंसी और खुशी से खेलने का त्यौहार है, इसलिए दादी माँ ने भी क्या किया बच्चों? बच्ची बन गई, बच्चे के साथ बच्ची बन गई और होली खेली। तो यही बोला गया हमें, बताया गया कि होली क्यों खेली जाती है, ऐसी
कौन सी कहानी है होली के पीछे? तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद और होलिका की कहानी है। क्यों होली दहन करते हैं और होली के दिन पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं, और होली किस तरह से खेलनी चाहिए? अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए, बुरे रंग से खेलनी चाहिए? नहीं। अब देखिए बच्चों, शब्द अर्थ, भेदभाव मतलब अंतर, घमंडी मतलब अहंकारी, नाराज मतलब गुस्सा होना, अत्याचारी मतलब जुल्म या तंग करने वाला, दहन मतलब जलाना। आपको इसको अपने बुक में ले लेना है।